YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से एसबी प्रमोशन एग्जाम की हम बात करें, क्लर्क्स ऑफिसर टी और जीएम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स और टीओ के लिए क्लर्क्स ऑफिसर टी और जीएम कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, आरोहन के वीडियोज के डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस हो जाएगा, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। और इसका प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, केवाईसी कंप्लायंस इज मैंडेटरी एक्सरसाइज अंडर प्रिवेंशन ऑफ, केवाईसी की तरह का मैंडेटरी कंप्लायंस होता है किसके तहत? ए ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001 के तहत, बी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004 के तहत, बी सी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006 के तहत, डी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006 के तहत। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू में आइए, नो योर कस्टमर के वाई सी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ए एम एल सी, ठीक है, फिर हो जाएगा सी एफ टी गाइडलाइंस आर मेजर्स टू प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम बींग यूज इंटेंशनली और अन इंटेंशनली बाई क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, व्हाट डज सी स्टैंड्स इन सी एफ टी। बोलते हैं कि नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सी एफ टी गाइडलाइंस जो है, ये तरकीब होता है जिससे आप रोक सकते हैं बैंक में जो लोग इंटेंशनली अन इंटेंशनली क्रिमिनली एलिमेंट काम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए, यहाँ सी किस चीज़ के स्टैंड करता है। ऑप्शन है काउंटरिंग, बी ऑप्शन है केस, सी ऑप्शन है करंट, डी ऑप्शन कॉम्बैटिंग। सी ऑप्शन है क्या, फॉर्म क्या था सी एफ टी का, कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, पहला पॉइंट है प्लेसमेंट, दूसरा पॉइंट है लेयरिंग, तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेशन, चौथा पॉइंट है काउंटरफिटिंग। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन ओनली 2 एंड 4, बी ऑप्शन ओनली बी ऑप्शन 1, 2 एंड 4, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है ओनली 3 एंड 4, डी ऑप्शन है ओनली 1, 2 एंड 3। तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व्ड मनी लॉन्ड्रिंग में, तो यह पहला पॉइंट दिया गया है कि प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, लेयरिंग इन्वॉल्व है और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, काउंटरिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। तो 1, 2 एंड 3 सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, ओनली 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, इन अगस्त 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम यूआईडीआई टू कैरी आउट ईकेवाईसी ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार। तो बोलता है अगस्त 2020 में किसको क्लियरेंस रिसीव होगी यूआईडीआई से, जहाँ आप कैरी आउट कर सकते ई ऑथेंटिक ई ऑथेंटिकेशन आधार के माध्यम से। ऑप्शन आईआरसीटीसी, बी ऑप्शन इन्फो एज, सी ऑप्शन सीडीएसएल, डी ऑप्शन एनएसडीएल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सीडीएसएल को मिला था ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, ट्रेवल एजेंसी इज एन एग्जांपल ऑफ, ट्रेवल एजेंसी किसका उदाहरण है, ऑप्शन हाई रिस्क कस्टमर्स, बी ऑप्शन लो रिस्क कस्टमर, बी सी ऑप्शन मीडियम रिस्क कस्टमर, डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, मीडियम रिस्क कस्टमर होता है ट्रेवल एजेंसी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ही, सी आर 12 फॉर्मेट इज मिंट फॉर, सी आर 12 फॉर्मेट किसके लिए होते हैं, ऑप्शन ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, यानी आप ओपन कर रहे हैं अकाउंट को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के तहत। बी ऑप्शन सी बी डी 2023 सप्लीमेंट हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा के वाई सी एम एल कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन हो जाए नन होते, इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो जो सी आर 12 फॉर्मेट होता है एक तरह का उदाहरण है के वाई सी एम एल कंप्लायंस सर्टिफिकेट का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन में, फॉर ओपनिंग बैंक बैंक अकाउंट ऑफ सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट लेटर इशूड बाय एम्प्लॉयर इज ओनली द के वाई सी डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ इज सफिशियंट। बोलता है जो सर्टिफिकेट आपको या लेटर जो मिलता है या जो इशू की जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वही केवल के वाई सी डॉक्यूमेंट में काम कर जाए जहाँ आपका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ में क्लियर सफिशियंट है। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशियंट, ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप पर्याप्त माना जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड्स एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एटलीस्ट वन मोर के वाई सी डॉक्यूमेंट शुड बी ऑब्टेंड। बोलता है कि एम्प्लॉय सर्टिफिकेट के अलावा कम से कम एक और के वाई सी डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा फोटोग्राफ एंड ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशियंट, फोटोग्राफ और ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप पर्याप्त होता है। देखिए जब कभी बैंक अकाउंट में आप सैलरीड पर्सन का अकाउंट खोलते हैं तो आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ आपको एक लेटर भी चाहिए। क्या चाहिए? एक लेटर भी चाहिए जिसमें कि के वाई सी डॉक्यूमेंट को करता, कम से कम एक के वाई सी डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर एट,
कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट CTR इज टू बी सबमिटेड। CTR यानी फुल फॉर्म का कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कब वो सबमिट करने का करना पड़ता है कब? ए ऑप्शन एवरी मंथ, बी ऑप्शन है एवरी क्वार्टर मंथ, ए ऑप्शन एवरी क्वार्टर, बी ऑप्शन एवरी मंथ, सी ऑप्शन एवरी फोर्टनाइट, डी ऑप्शन है एवरी हाफ ईयर। तो आपको यहाँ पे हर एक मंथ CTR रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट CTR सस्पिशियस के इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन बिलो ₹50,000 बोलता है कि CTR एंड कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन ₹50,000 से कम है, तो इसको आप आर टू बी सेपरेटली रिपोर्टेड, सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे। बी ऑप्शन है क्लब टुगेदर एंड समरी टू बी सबमिटेड, क्लब कर देंगे सर समरी भेजा जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा नॉट टू रिपोर्टेड, आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा टू बी रिपोर्टेड अलॉन्ग विद नॉर्मल ट्रांजेक्शन, आप इसको रिपोर्ट करेंगे नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? देखिए जो CTR है जो सस्पिशियस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का अमाउंट बहुत ध्यान से सुनिएगा 50,000 से कम है, ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल रिपोर्ट के अच्छे नॉर्मल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के साथ भेजेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग, कौन सा इसमें से कौन सा जो स्टेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी का स्टेज नहीं है, ये एक्टिविटी नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा प्लेसमेंट, बी ऑप्शन एमलगेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा लेयरिंग, डी ऑप्शन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखेंगे प्लेसमेंट स्टेज है, एमलगेशन कोई भी स्टेज नहीं होता है, लेयरिंग भी स्टेज होता है, इंटीग्रेशन भी स्टेज होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ हमारे पास SBI प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेएमजेएस के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, आरोहन के वीडियोस के डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3,000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है इसका ₹2,000 छः महीने की वैलिडिटी के लिए, ₹3,000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudiomaterial.com, ईमेल आईडी जो सीट से 923@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।